जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमच जिले के रामपुरा में महावीर दूध डेयरी पर छापा मारा। जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो भौचक्की रह गई, क्योंकि महावीर दूध डेयरी पर पाम ऑयल, डिटर्जेंट और केमिकल से बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा था। इस छापामार कार्रवाई में एसडीएम अरविंद माहौर और मुख्य खाद्य निरीक्षक संजीव मिश्रा भी मौजूद हैं। मुख्य खाद्य निरीक्षक संजीव मिश्रा ने फोन पर वॉइस ऑफ एमपी को बताया कि आज छापामार कार्रवाई में चौंकाने वाले मामले का खुलासा हुआ है, क्योंकि महावीर दूध डेयरी द्वारा मात्र 5000 लीटर दूध ही गाँव से इकट्ठा किया जाता है, जबकि यह दूध डेयरी 15 से 20 हज़ार लीटर दूध की सप्लाई करती है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर दूध लाया कहाँ से जा रहा था। लेकिन आज जांच में खुलासा हुआ कि इस दूध डेयरी पर पाम ऑयल, डिटर्जेंट और केमिकल मिलाकर बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध बनाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा था। आज की छापामार कार्रवाई में बड़ी संख्या में पुलिस जवान भी मौजूद हैं। इस समय मौके पर कार्रवाई चल रही है। हमारे संवाददाता डॉक्टर अजय सिंह सिसोदिया ने बताया कि आज हुई इस छापामार कार्रवाई से रामपुरा में हड़कंप मचा हुआ है और संभावना यह है कि यह कार्रवाई देर रात तक चल सकती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए रामपुरा से डॉक्टर अजय सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट।